हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और महंगे से महंगी उनको डिग्री कॉलेजेस के अंदर भेज के उनको शिक्षा दिलवाते हैं, वो इसलिए कि ताकि बड़ा होके बच्चे का अच्छी जगह कहीं नौकरी लग पाए। लेकिन हम आपको बता दें कि रविश कुमार एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने उन्होंने अपने फेसबुक से एक ट्वीट पोस्ट भेजी है और उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी के दर पर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया है, बिखर गया है। बेरोजगारी का मुद्दा 45 साल में बेरोजगारों के लिए सबसे अधिक है। 31 मई को आधी अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि 2017 जुलाई को 2018 जून तक की अवधि में बेरोजगारी हर स्तर पर बढ़ी हुई है देखी गई है। चुनाव के कारण सरकार ने इन्हें जारी नहीं किया, कभी कहा गया कि इसका पैमाना नहीं है। खैर, ये रिपोर्ट आगे जाती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता तक आंकड़े ना पहुंचे इसके लिए रिपोर्ट को जारी ना होने दिया गया। सरकार बनने के बाद इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया। बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक देखी गई है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। 2019 की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसने बेरोजगारी के मुद्दे को खत्म कर दिया। अब इस मुद्दे को राजनीति साख नहीं बची। बेरोजगारी ने भी आगे आकर कहा कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद मुद्दा है। इसलिए अब तक ये रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सरकार को ना बेरोजगारों को। कोई भी संवेदनशील सरकार जरूर इस आंकड़ों को चिन्हित होगी, लेकिन यह बात जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंदर 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी दर 6.1% रही। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बेरोजगारी की दर अधिक है। अलग अलग दोनों की बेरोजगारी दर की बात करें तो देश के अंदर पुरुषों की बेरोजगारी 6.2 जबकि महिलाओं की बेरोजगारी 5.7% है। और सूत्रों की माने तो जीएसटी नोटबंदी जैसे कारणों से भी देश के अंदर बहुत बेरोजगारी आई है। बिजनेसमैन की बिजनेस भी काफी हद तक नहीं बढ़ पा रहा है और जहां तक रोजगार की बात है, प्राइवेटीकरण ज्यादा होता जा रहा है, उसकी वजह से रोजगार भी नहीं लग पा रहे हैं और जो रोजगार प्राइवेटीकरण है उसके अंदर एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो देश के अंदर 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।